डायरेक्टर अनिल कुमार शिंपी इनके प्रयासों से तारीख 11, 12 और 13 दिसंबर को नागपुर में पहला विदर्भ चित्रपट महोत्सव वसंतराव देशपांडे सभागृह में आयोजित किया गया है। ऐसी जानकारी पत्र परिषद में दी गई है। इस मौके पर फिल्म से क्षेत्र से जुड़े तमाम लोग मौजूद थे। स्लग बीपीसीए अनिल कुमार शिंपी निर्देशक की अवधारणा और कड़ी मेहनत के साथ पहला विदर्भ फिल्म महोत्सव 11, 12 और 13 अगस्त 2012 को नागपुर में डॉक्टर वसंतराव देशपांडे हॉल और दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक हॉल में आयोजित किया जा रहा है। अनिल शिंपी ने पिछले 2 साल से इस त्योहार के लिए विशेष प्रयास किए हैं, लेकिन कोरोना की महामारी और राजनीतिक घटनाक्रम के कारण महोत्सव का आयोजन नहीं हो सका। इससे पहले मराठवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जू के मेयर हाउस में आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 120 प्रोडक्शन कंपनियों ने भाग। अनिल शिंपी और उनके सहयोगियों ने इस पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्यों के कलाकारों के लिए किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उत्सव की योजना बहुत अच्छी तरह से आयोजित की गई थी। मराठी भाषा की लघु फिल्में, फिल्में हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी भाषा की फिल्मों के साथ लघु फिल्म, वृत्तचित्र, वीडियो एल्बम, विज्ञापन फिल्म, फिल्म निर्माता सभी कलाकारों की भागीदारी सही मायने में महोत्सव का चेहरा बदल देगी। समारोह में भाषा के फिल्म कलाकारों, छायाकारों और विशेष गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। नागपुर वसंतराव देशपांडे सभागृह मध्ये आपण घेतोय। हा येत्या ऑगस्ट मध्ये 11, 12, 13 ऑगस्ट 2022 नागपूर येथे आपण आयोजित करतोय। यामध्ये साधारण 100 ते 150 सिनेमा आपण इथे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो। हा उद्घाटनसाठी आपण अजून बऱ्याच मान्यवरांना इन्व्हाइट केलेलं आहे, पण अजून तरी आपले उद्घाटक आपण सांगू शकत नाही, कारण त्यांच्याकडनं कन्फर्मेशन असं आलेलं नाही आहे। तरी आपण बरेच मान्यवर जे असतील शहरातले किंवा मुंबईतले, त्या मान्यवरांच्या हस्ते आपला उद्घाटन सोहळा होणार आहे। आपल्या संपर्क माध्यमातून जी काही आपण पब्लिसिटी करतो आहे, सोशल मीडिया, न्यूजपेपर, आर्टिकल्स, या माध्यमातून आपण त्यांना आवाहन करतो, त्यावर आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर, ईमेल आय डी, फेसबुक वगैरे सगळं त्याच्यावर डिटेल्स आहे। त्या माध्यमातून ते आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकतात, त्यांना आम्ही त्यांच्यापर्यंत त्या एंट्री फॉर्म पाठवतो आणि ते त्यांची एंट्री आमच्यापर्यंत पाठवतो। अनिल शिंपी ने कहा की इसका मुख्य उद्देश हमारी भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं में कला को शामिल करना और उनके विचारों और अवधारणाओं को देखने में सक्षम होना चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मिरे, BCN न्यूज़, नागपुर।